बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि कंपनी अपने वित्तीय विवरण किस प्रकार बनाती है वित्तीय विवरण के अंतर्गत हमने कक्षा ग्यारहवीं में भी देखा था कि फाइनल अकाउंट लाभ हानि खाता व्यापारिक खाता इस तरह के बहुत सारे जो अकाउंट होते हैं उनको हम फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों के अंतर्गत बनाते हैं जब हम वित्तीय विवरणों के अंतर्गत व्यापार हानि खाता या फिर किसी फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग फॉर्म में बनाते हैं हमने देखा था कि किस प्रकार जब हम व्यापारिक खाता बनाते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष मदों को प्रत्यक्ष व्ययों को और निर्माण से संबंधित व्यापार के प्रत्यक्ष संचालन से संबंधित जो व्यय होते हैं उनकी प्रविष्टि हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट पक्षों का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लेखांकन के प्रारूप के आधार पर अकाउंटिंग फॉर्म के बेस पे हम वहाँ पर लेखांकन करते हैं लाभ हानि खाते में भी हमने देखा था कि बहुत सारे तरीके की हानियाँ बहुत सारे व्यय हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं और बहुत सारे तरह के लाभ बहुत सारे तरह के आय हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसके बाद हम व्यापार खाते का जो शेष होता है लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करते हैं लाभ हानि खाते का जो बैलेंस होता है यानी कि शुद्ध लाभ जो होता है उसको हम फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम चिट्ठे जो होते हैं जिन्हें हम आर्थिक चिट्ठे भी कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और जब हम बात करते हैं आर्थिक चिट्ठे की तो हम देखते हैं कि बहुत सारी संपत्तियाँ और दायित्व तो हमारे सामने होते हैं इनमें कुछ चालू संपत्ति होते हैं कुछ स्थायी संपत्तियां होती हैं कुछ चालू दायित्व होते हैं कुछ स्थायी दायित्व कुछ अलग तरह के भी दायित्व हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो फॉर्मेट होता है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में होता है लेखांकन के रूप में होता है लेकिन घूम फिर कर कहीं ना कहीं इनमें हम अमाउंट तो लिखते हैं ये जो राशियाँ होती हैं इन खातों में लिखित ये जो अमाउंट होते हैं इन्हीं को हम जब अंक गणतीय रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यही अंक गणतीय प्रारूप जो होता है वो लेखांकन अनुपात के बारे में जाना जाता है तो आज हम देखेंगे कि लेखांकन अनुपात क्या है इसके अंतर्गत किस किस तरह के अनुपातों की गणना की जाती है क्यों की जाती है और क्या है पूरी प्रक्रिया जिनके आधार पर हम लेखांकन अनुपात की गणना कर सकते हैं तो यहाँ पर जब हम वित्तीय विवरणों का प्रयोग करके लेखांकन अनुपात ज्ञात करते हैं तो किस तरह से वो गणतीय रूप में परिवर्तित हो सकता है उसको हम एक उदाहरण से समझे जैसे मान लीजिए हमने एक व्यापार खाता में देखा कि इस व्यापार खाते में जो शुद्ध विक्रय है यानी कि कुल विक्रय है वो दो लाख रुपए का दिखाई दे रहा है जबकि सकल लाभ जो आया है इसका आंसर जो आया है व्यापार खाते का सकल लाभ वो बीस हजार आया है ये हमने लेखांकन प्रारूप के अंतर्गत देखा लेकिन अब इसको हम गणतीय रूप में अगर व्यक्त करना चाहें लेखांकन अनुपातों के अंतर्गत अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सकल लाभ जो है वो विक्रय का कितना प्रतिशत है चलो ये देखें तो यहाँ पर हम सकल लाभ का विक्रय पर प्रतिशत देखने के लिए क्या करेंगे सकल लाभ की राशि को हम सौ से गुणा करेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है और हम इसको भाग देंगे विक्रय की राशि से क्यों क्योंकि हमको विक्रय पर प्रतिशत निकालना है तो ये अमाउंट हो जाएगी ट्वेंटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ हमने बहुत आसानी से देखा कि टेन परसेंट जो है हम ये कह सकते हैं कि सकल लाभ जो है वो विक्रय का दस प्रतिशत है तो आपने देखा कि किस तरह हम लेखांकन की प्रक्रिया से होते हुए इसको अंक गणतीय रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से छोटे छोटे जो गणतीय प्रस्तुतिकरण होते हैं वो सभी आपस में मिलकर लेखांकन अनुपात कहलाते तो आपने देखा कि वास्तव में ये जो लेखांकन अनुपात होते हैं ये कहीं ना कहीं अंक रूप में अभिव्यक्त किए जाने की एक प्रक्रिया होती है जो कि कई बार समानुपात के रूप में कभी प्रतिशत के रूप में कभी दर के रूप में या आवर्त के रूप में हमको इनका हल करना होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ उदाहरण जैसे मान लीजिए समानुपात अनुपात का एक उदाहरण हमको देखना हो तो जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं अब हम लगभग इस स्टेज पे पहुँच गए हैं इस चैप्टर में पहुंच गए हैं कि हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि बैलेंस शीट में किन किन चीजों का उल्लेख होता है यहाँ पर अगर हम देखें चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में चालू संपत्ति और चालू दायित्व को भी हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं अब तक चालू संपत्ति के बारे में और चालू दायित्व के बारे में अगर हमको अनुपात निकालना हो बैलेंस शीट में हमने देखा कि चालू संपत्ति जो है वो दो लाख है और चालू दायित्व जो है वो एक लाख है तो इनका अनुपात क्या होगा तो इसको हम लिख सकते हैं अनुपात निकालने के लिए दो लाख बटे एक लाख टू लाख अपॉन वन लाख तो यहाँ पर हम इसका अनुपात देख रहे हैं दो अनुपात एक ये हमने अनुपातिक अभिव्यक्ति कर ली यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं अगर प्रतिशत के आधार पर कुछ निकालना हो तो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा हमने देखा कि सकल लाभ का किस तरह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं विक्रय पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विक्रय जो है वो दो लाख है सकल लाभ जो है वो बीस हजार है यानी कि हम देख रहे हैं कि सकल लाभ जो है वो विक्रय का दस प्रतिशत है तो यहाँ हमने ये जो अकाउंटिंग फॉर्म था उसमें से सकल लाभ और विक्रय को बाहर निकाल कर उसका प्रतिशत परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया वैसे ही हम यहाँ पर दर या समय की बात करें यानी कि कोई मद किसी अन्य मद की कितनी गुना है इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक दर या फिर आवर्त कितना गुना है इस आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखें तो एक वर्ष का विक्रय अस्सी हज़ार है और वहीं पे स्थाई संपत्ति है बीस हजार तो अगर हमको यहाँ पर ये देखना है कि विक्रय जो है वो स्थाई संपत्ति का कितना गुना है तो हम यहाँ पर आठ हजार बटे बीस हजार बहुत आसानी से पता लगा सकते आठ गुना है विक्रय जो है वो स्थायी संपत्तियों का आठ गुना है तो कभी अनुपात के रूप में कभी प्रतिशत के रूप में कभी आवर्त के रूप में हम लेखांकन अनुपातों का प्रयोग करते हैं और ये जो लेखांकन प्रारूप होते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है उनमें जो मदें दी गई होती है उनका आपस में हम संबंध गणतीय रूप में स्थापित करते हैं दो या दो से अधिक मद भी हो सकती हैं जिनका हम आपस में रिलेशन यहाँ पर गणती रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं अगर हम देखें कि इसका उद्देश्य क्या है या महत्व तो क्या है क्या अकाउंटिंग फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं वो पर्याप्त नहीं है क्यों उनको गणतीय रूप में परिवर्तित किया जाए तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं सबसे पहला उद्देश्य इसका होता है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक होता है हमने वित्तीय विवरणों के निर्माण के बारे में पढ़ा उनके विश्लेषण के बारे में पढ़ा जब हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर्मेट तो हमारे सामने रहता है स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है कि हमारा सकल लाभ क्या है हमारा शुद्ध लाभ क्या है संपत्तियाँ कितनी है दायित्व तो कितने हैं। लेकिन इनको अगर हम एनालिसिस करना चाहें इनका अगर हम सूक्ष्म अध्ययन अगर हम करना चाहें तो हमको लेखांकन अनुपात का प्रयोग करना पड़ता है शुद्ध लाभ सकल लाभ से कितना आ, क्या डिफरेंस है विक्रय जो है उस पर सकल लाभ का प्रतिशत क्या है विक्रय पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या है संपत्ति और दायित्वों का अनुपात क्या है संपत्तियाँ दायित्वों से कितनी गुनी अधिक है कितनी कम है दायित्वों की शोधन क्षमता क्या है ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम लेखांकन अनुपात के अंतर्गत बहुत से कैलकुलेशन बहुत सी गणनाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दूसरा उद्देश्य है संचालन की कार्यकुशलता का ये मापन करता है जब हम इनका अध्ययन करते हैं व्यापार खाता लाभ हानि खाता या चिट्ठा का तो एक एक बार देखने से तो ये पता नहीं चलता है कि उनमें जो वो निर्माण किए गए हैं अंतिम खाते जो बनाए गए हैं वो कितने प्रतिशत तक सही है कितने शुद्ध हैं जनरली बैलेंस शीट अगर टैली हो जाती है तो ये हम मान लेते हैं कि व्यापार हानि खाता और बैलेंस शीट हमने सही बनाया है लेकिन फिर भी आ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर संचालन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो हमको बैलेंस शीट लाभ हानि खाता या व्यापार खाते से मालूम नहीं चल पाती हैं जैसे कि विभिन्न मदों में आपस में प्रतिशत क्या है विभिन्न मदों का आपस में अनुपात क्या है तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी होती है वो हमको संचालन के लिए भी ज़रूरी होती है तो इनके लिए हमको लेखांकन अनुपात का प्रयोग करना पड़ता है तीसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि लेखांकन में सरलता होती है जो टेबल वाइज जो बनते हैं फॉर्मेट वाइज जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो हमारे सामने वो प्रारूप तो रहते हैं लेकिन अगर उनके बारे में कुछ हमको लिखना हो कि गत वर्ष से इस वर्ष उनमें क्या फर्क आया या लाभ की क्या स्थिति है हानि की क्या स्थिति है ग्रोथ क्या है संपत्ति और दायित्वों की क्या स्थिति है तो हम ये जो रेशियो निकालते हैं अनुपात हम जो निकालते हैं परसेंटेज हम जो निकालते हैं इनके आधार पर हम बहुत अच्छे से उसको स्पष्ट कर सकते हैं साथ ही है हम देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि, कि तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा मिलती है एक बार हम फॉर्मेट या बैलेंस शीट को देख के बता नहीं सकते कि गत वर्ष की तुलना में इस बैलेंस शीट में क्या अंतर है लेकिन जब हम छोटे छोटे पॉइंट से जब गणती अध्ययन हम इनका करते हैं और छोटे छोटे संख्यात्मक रूप में हम इनको प्रतिशत करते हैं तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष की क्या स्थिति है जैसे सकल लाभ का परसेंटेज हमने देखा कि दो में जो हमने कैलकुलेशन की उससे सकल लाभ का प्रतिशत आता है बीस और दो में जो सकल लाभ का परसेंट था वो था 30 परसेंट तो हम बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं कि इस वर्ष जो है वो सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट में 10 परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है तो पूरी की पूरी फॉर्मेट पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट खंगाल के देखा जाए उससे बेटर है कि लेखांकन अनुपातों का प्रयोग कर लिया जाए और छोटे छोटे गणतीय संबंधों के माध्यम से बहुत आसानी से दो वर्ष के लाभ हानि आय व्यय ऐसे बहुत सारी मदें हैं जिनकी तुलना की जा सकती है एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि तरलता की स्थिति का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है तरलता के बारे में हम जान लें कि एक किसी भी संपत्ति के मुद्रा या राशि के रूप में कैश के रूप में परिवर्तित होने की जो क्षमता होती है जो स्पीड होती है कि कितने स्पीड में हम उसको कितने जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सके ये है उसकी तरलता तो इसके बारे में बहुत आसानी से पता चल जाता है क्योंकि हम बहुत सारे रेशियो ऐसे निकालते हैं जैसे लिक्विड रेशियो हम निकालते हैं तो उससे तरलता का ज्ञान हमको बहुत आसानी से हो जाता है इस संबंध में जब हम क्रियात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे

साथ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका ये भी है कि संभावनाओं की खोज कर सकते हैं तुलनात्मक तो अध्ययन के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कहाँ पे इंक्रीमेंट की संभावना है किन चीज़ों में सुधार लाकर व्यवसाय के जो सकल लाभ है शुद्ध लाभ है उनको बढ़ाया जा सकता है तो एक ये भी महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है कि संभावनाओं की खोज करता है तो ये तो हमने बात कही यहाँ पर अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य की, उद्देश की। जिस तरह से इसके अपने आप में बहुत सारे उद्देश्य हैं इनका इनके महत्व हैं वैसे ही बहुत सी इनकी सीमाएं भी हैं आइए देखते हैं अनुपात विश्लेषण की कौन कौन सी सीमाएं हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि असत्य पहलुओं का भी खतरा रहता है यहाँ पर जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं अनुपात कैलकुलेट करते हैं दर कैलकुलेट करते हैं आवर्त की गणना करते हैं तो हम जिन आंकड़ों को लेते हैं जिन संख्याओं को लेते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट में से ही हम निकालते हैं अलग से हम कहीं से कैलकुलेशन नहीं करते जो फॉर्मेट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता है लाभ हानि खाता होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बैलेंस शीट जो होती उन जो मदी है उनमें जो मदे रहती हैं उनसे ही हम लेते हैं अगर वहाँ पर कोई मद असत्य लिख गई है कुछ वहाँ पे अमाउंट अगर गलत लिखा दी गई है लिख दी गई है किसी कारण से तो आपने जो कैलकुलेशन किया है आपने जो रेशियो एनालिसिस किया है वहाँ पर भी गलती होने की संभावना बनी रहती है दूसरी इसकी सीमा यह है कि अमौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है कई बार हम देखते हैं कि मौद्रिक पहलुओं से ज्यादा अमौद्रिक पहलू महत्वपूर्ण होते हैं आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एक पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको उसके पीछे चार छः अन्य पॉइंट भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं केवल मुद्रा के रूप में गणतीय रूप में प्रस्तुत कर देना लेकिन उसके कारण और परिणाम को न बताना कहीं ना कहीं अपर्याप्तता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसका जो महत्व है इसका जो उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है पूरा नहीं हो पा रहा है एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें लेखांकन की स्वाभाविक जो सीमाएं हैं उसका भी इसमें प्रभाव पड़ता है हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि अनुपात की गणना जो है वो सूचनाओं से की जाती है अब जो लेखांकन जो किया गया है फॉर्मेट जो बनाए गए हैं उनमें जो कंसेप्ट फॉलो किए गए हैं वो बहुत सारे होते हैं हमने इलेवेंथ क्लास में भी देखा था कि लेखांकन की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं किन अवधारणाओं का पालन करते हुए किन मान्यताओं का पालन करते हुए जो कैलकुलेशन जो अकाउंटिंग की गई है डिपेंड करता है उस पर कि उनके आधार पर अगर हम लेखांकन अनुपातों की गणना करते हैं तो वो कितना प्रतिशत सही है एक सीमा इसकी ये भी है कि गुणात्मक विश्लेषण की इसमें अपेक्षा की जाती है केवल परिमाणात्मक विश्लेषणों पर हम ध्यान देते हैं कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है कितना प्रतिशत लाभ बढ़ा है कितना प्रतिशत हानि घटी है इन सब बातों तो पर हम ध्यान देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि, कि कारण परिणाम या गुणों की हम उपेक्षा कर देते हैं कि, कि किस कारण से ऐसा हुआ या अगर लाभ हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है कई बार ऐसा होता है कि गुणात्मक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन क्योंकि हम बात यहाँ पर लेखांकन अनुपातों की कर रहे हैं गणतीय संबंधों की कर रहे हैं तो गुणात्मक जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है वैसे ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें बनी रहती है अगर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए अकाउंटिंग गड़बड़ा गया है कहीं व्यापार या लाभ हानि खाते में छेड़छाड़ की गई है बैलेंस शीट में किसी प्रकार की हेर फेर की गई है तो जाहिर सी बात है कि उनके आधार पर अगर हम लेखांकन अनुपातों की गणना करेंगे तो उसमें भी त्रुटि की संभावना बनी रहेगी आ, तो आइए अब प्रैक्टिकली हमको जिन बातों पर जिन चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है उस पर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लेखांकन अनुपात की हम कैलकुलेशन करेंगे वो कितने तरह के होंगे एक बहुत बड़ा इसका एरिया होता है बहुत सारे भागों में बटे होते हैं जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति न निर्मित हो इससे बचने के लिए हमको यहाँ पर इंडिविजुअली जो अलग अलग टाइप के अनुपातों की गणना होती है उनको हमको अलग अलग समझना होगा जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो लेखांकन अनुपात होते हैं ये चार भागों में विभाजित हो जाते हैं और फिर इन्हीं चार भागों के अपने बहुत सारे अलग अलग अनुपात होते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो इनमें सबसे पहला भाग होता है तरलता अनुपात का दूसरा होता है शोधन क्षमता अनुपात का तीसरा होता है क्रियाशीलता अनुपात का और चौथा होता है लाभदायकता अनुपात का यानी फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशियो थर्ड है वर्किंग रेशियो और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो इनका अलग अलग हम इनका अध्ययन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो एक एक टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक के क्रियात्मक प्रश्नों को पहले हल करते चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं तरलता अनुपात यानी कि लिक्विडिटी रेशियो की लिक्विडिटी रेशियो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि तरलता के बारे में हम जा, हमने जाना लिक्विड तरल लिक्विड संपत्ति तरल संपत्ति क्या है कोई भी संपत्ति जिसके बारे में हम ये देखें कि कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें कि हमने जो बैलेंस शीट में बहुत सारी संपत्तियां लिखी है उसमें सबसे लिक्विड एसेट्स कौन सा है यानी जो तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कैश वो तो ऑलरेडी कैश है सबसे तरल वही है उसके बाद कैश एट बैंक जो बैंक में है और उसके साथ पूरी लिस्ट जुड़ते जाती है जो लिक्विड एसेट्स की होती है जिसके बाद जिसके बारे में हम आगे जानेंगे बहुत सारी संपत्तियां होती हैं जिनको कैश में में कन्वर्ट कराना एक तो बहुत स्पीड में हम करवा सकते हैं लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनको कैश में चेंज कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो जितनी कम समय में वो कैश में चेंज हो जाती हैं वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड या उतनी ही ज़्यादा तरल होती हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि व्यवसाय में जो दायित्व तो होता है जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनके लिक्विडिटी की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है उनके शोधन क्षमता को हमको देखना पड़ता है कि वो कितनी जल्दी हम उन दायित्वों को पे कर सकते हैं कितनी जल्दी हम अपने व्यवसाय की संपत्तियों को लिक्विड में चेंज करके अपने दायित्वों को पे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको लिक्विडिटी रेशियो की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट जो इसका पॉइंट है हम लिक्विड रेशियो की बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत हम किस कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे चालू अनुपात यानि कि करंट रेशियो और दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें तरल अनुपात या फिर अति तरल लिक्विड रेशियो जिसको हम कहते हैं क्विक या इसी को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात करें चालू अनुपात की करंट रेशियो हमने पहले भी बहुत सारे अध्याय में देखा कि फर्म की जो संपत्तियां होती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बारे में हमने पहले भी कई अध्यायों में जाना है कि कब हम किसी संपत्ति को चालू बोलते हैं और कब किसी संपत्ति को हम स्थाई संपत्ति बोलते हैं और फिलहाल हम ये जान लें कि चालू अनुपात का प्रयोग हम क्यों करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्म की जो अल्पकालीन वित्तीय स्थिति होती है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल उसकी जो पोजिशन होती है उसका पता लगाने के लिए और दूसरी बात उसके शोधन क्षमता का पता लगाने के लिए चालू अनुपात का उपयोग किया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने जल्दी वो अपने क्रेडिटर्स का या फिर लाइब्रिटीज का पेमेंट वो कर सकते हैं इसका पता लगाया जा सके आ, इससे हमको किन किन बातों की जानकारी मिलती है इस पर अगर हम एक नजर डालें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे हमको चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध पता चल जाता है क्योंकि करेंट रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है यानी कि करंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी तो एक तो हमको बहुत आसानी से करंट लाइबिलिटी टोटल कितनी है करेंट एसेट्स टोटल कितना है ये पता चल जाता है दूसरा हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि व्यवसाय में अल्पकालीन दायित्व के भुगतान की स्थिति क्या है जैसे हमने बात की ना शोधन क्षमता की हम ये पता लगा लेते हैं कि, कि कितने जल्दी हम व्यवसाय के दायित्व का भुगतान कर सकते हैं तीसरा एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो में रिलेशन क्या है यानी कि चालू संपत्ति जो है वो चालू दायित्व तो से कितना गुना है कितनी गुना अधिक है या कितनी कम है ये हम पता लगा लेते हैं अब हम यहाँ पर बात करें कि चालू संपत्ति यानी कि क्या एक परिभाषा के आधार पर हालांकि हम पॉइंट वाइज पहचान जाते हैं कि ये चालू संपत्ति है चालू दायित्व है लेकिन एक परिभाषा के आधार पर हम देखें कि क्या है चालू संपत्ति तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवसाय की ऐसी कुल संपत्ति जिसमें जो जो लगभग एक वर्ष की अवधि के भीतर यानी एक वर्ष की अवधि के भीतर जिनको हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं वो सभी के सभी चालू संपत्ति के अंतर्गत आती है और जब हम बात करते हैं चालू दायित्वों की तो व्यवसाय के वो सभी दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि के भीतर व्यापार को करना ही होता है वो सभी दायित्व चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं तो वास्तव में यहाँ पर चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो क्या है इनके मदों पर हम एक नज़र डालेंगे लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात हम ये जान लें कि जब हम अनुपात कैलकुलेट करेंगे करेंट रेशियो के अंतर्गत चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो का तो ये अनुपात जो है ये आदर्श कब माना जाता है जब ये टू, टू आए या उसके आसपास आए यानी दो अनुपात एक क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी अगर दायित्व तो से संपत्ति डबल हो यानी संपत्ति दो गुनी हो दायित्व तो की तो टूट को हम आदर्श मान सकते हैं तो फिर आइए देखते हैं कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो में कौन कौन सी मदे शामिल की जाती है निम्नलिखित संपत्ति एवं दायित्व तो, तरल संपत्तियों और चालू दायित्व तो में शामिल किए जाते हैं तरल संपत्तियां पहला कैश इन हैंड दूसरा बैंक तीसरा डेटर्स चौथा बिल्स रिसीवेबल, पांचवा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज करेंट लाइबिलिटीज में शामिल किए जाते हैं पहला क्रेडिटर्स दूसरा बिल्स पेबल तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चौथा बैंक ओवरड्रॉप पांचवा प्रपोज डिविडेंड छठवा इनकम टैक्स पेबल सातवा शॉर्ट टर्म लोन और आठवा लोन पेबल दिस ईयर तो आपने देखा कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व में किन किन मदों को शामिल किया जाता है अब हम देखें कि अगर इनमें डिफरेंस आता है इनमें अंतर आता है संपत्ति और दायित्व तो दोनों की रकम अलग होती है तो बीच का जो डिफरेंस है डिफरेंस की जो अमाउंट है वो क्या है वास्तव में हम देखें तो ये जो संपत्ति और दायित्व के बीच का डिफरेंस आता है वो कहलाती है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी एक सूत्र के आधार पर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी अब क्योंकि बहुत से फॉर्मूले में हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कई बार हमको संपत्ति और दायित्व यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बेस पे वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो वो तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर लेंगे इसी वर्किंग कैपिटल के बेस पे हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे इसी वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले के बेस पे हम करंट लाइबलिटी फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा फार्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबलिटी अब मान लो हमको चाहिए करेंट एसेट्स हमको वर्किंग कैपिटल मालूम है हमको करंट लाइबिलिटी मालूम है अब यहाँ पर हमको चाहिए करंट एसेट्स तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इसी बेस पे हम चाहें तो करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं करंट लाइबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल तो इसी एक फॉर्मूले से हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में अगर जरूरत है करंट एसेट्स की तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे ज़रूरत है अगर करंट लाइबिलिटी की तो हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और अगर मदों के आधार पर पॉइंट्स के बेस पे हमको करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिलिटी कैलकुलेशन करनी होगी तो हमने देखा कि कौन कौन से मदें करंट एसेट्स के अंतर्गत आती हैं और कौन कौन से मदें करंट लाइब्रिटी के अंतर्गत आती हैं तो इन आइटम्स के आधार पे भी हम बहुत आसानी से करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिटी कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जबकि हमको टोटल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी तो हमको ध्यान में रखना है कि करंट एसेट्स को हमने देख लिया कि किन किन चीज़ों को किन किन मदों को हम करंट एसेट्स के अंतर्गत शामिल करते हैं इसके अलावा हमको जब टोटल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी प्लस कर देंगे और हम इसमें फिक्स एसेट्स भी प्लस कर देंगे तो कुल मिलाकर हम ये कह है सकते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस करेंट एसेट्स तो यहाँ पर हम टोटल एसेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण बात यह कि टोटल एसेट्स जो होती है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है ये तो हमने बैलेंस शीट में देखा तो अगर टोटल लाइबिलिटी अगर हम चाहें तो टोटल लाइबिलिटी को ही टोटल एसेट्स मान सकते हैं यानी टोटल लाइबिलिटी में करेंट और जितनी भी लाइबिलिटीज उसके साथ होती है कॉन्टीजेंट सारी की सारी शामिल होती हैं अब दूसरी बात अगर हमको किसी भी प्रकार का प्रश्न हल करना है इस पूरे चैप्टर में तो हमको सबसे पहले उसके फार्मूले पर फोकस करना है फॉर्मूला क्या है जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइब्रिटी यहाँ पर करंट रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिटी तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमको करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिटी कैलकुलेट करके दे दी गई है अगर दे दी गई है तब तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो हमने इसके पहले बहुत सारे प्रोसेस देखे कि कैसे हमको करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिटी कैलकुलेट करनी है पहले हम करंट एसेट्स और करंट लाइब्रिटी कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम उसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे और बहुत आसानी से हम करंट रेशो कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी बात जब हम दूसरी बात जब हमको किसी भी तरह के क्रियात्मक प्रश्न हल करने हो चाहे वो करंट रेशो uh, से रिलेटेड हो लिक्विड रेशो से रिलेटेड हो सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड हो या बहुत सारे अलग अलग रेशो होते हैं उनसे रिलेटेड हो सबसे पहले हमको फोकस करना है फॉर्मूले पे। उसके बाद हमको देखना है कि इन फॉर्मूले के लिए हमको किन किन मदों की कौन कौन से आइटम्स की हमको रिक्वायरमेंट है पहले हमको उसकी कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद हमको लास्ट में फॉर्मूले में उनको पुट करना है तो ये तो बात की हमने करेंट रेशियो की आइए कुछ क्रियात्मक प्रश्नों के आधार पर करंट रेशियो की कैलकुलेशन को अच्छे से समझते हैं